स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे क्या एप्पल अपने मोबाइल और पोर्टेबल डिवाइस में फाइनली USB-C यूज़ करेगा। तो आइए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एप्पल का खासियत ये नहीं है कि वो एक डिवाइस बनाता है, एप्पल का खासियत ये है कि वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है। तो इकोसिस्टम का मतलब ऐसा आप ये समझ लीजिए कि एप्पल अपना कंप्यूटर बनाएगा, एप्पल अपना म्यूजिक प्लेयर बनाएगा, एप्पल अपना मोबाइल बनाएगा, एप्पल अपना ऐप बनाएगा, एप्पल हर चीज़ को बनाएगा, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, ताकि आप अगर एप्पल का एक सामान रखते हैं तो वो दूसरे सामान से आराम से बात कर सकते जब तक दोनों एप्पल हैं। अगर एप्पल के बाहर आप जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका आईफोन में आप गाना ट्रांसफर करें, सुभान अल्लाह, भगवान आपको बचाए, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो और इसका करने से फ़ायदा ये हुआ कि शुरू के दिन में एप्पल के ये जो पुराने अडाप्टर आप देखेंगे, ये उन्होंने आईपॉड के लिए बनाया था, और इससे फ़ायदा ये होता था कि उस टाइम अगर आप अपने आईपॉड को रख दिए एक डॉक में, जो भी डॉक इस तरह के आते हैं, आपको सारे कंट्रोल मिलेंगे। मतलब डॉक के पास फॉरवर्ड, बैकवर्ड, प्ले, पॉज, स्किप, रैंडमाइज, बहुत सारे सेटिंग, चूँकि इतने सारे तार थे और इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये आराम से काम कर सकता है। और एप्पल ने इस पोर्ट को अबैंडन नहीं किया, काफ़ी साल तक कई सारे डिवाइसेस में यही पोर्ट आते थे। तो इससे फ़ायदा ये होता था कि जिसके पास एप्पल का, मान लीजिए आप आईफोन रखें, आईफोन भी डॉक में लग जाएगा, कोई आता है जिसके पास आईपॉड है वो भी लग जाएगा। और ये एप्पल का मेन खासियत है कि एप्पल का हर चीज़ स्टैंडर्डाइज होता है और एप्पल हमेशा एक ही चीज़ बनाता है। मतलब आजकल ऐसा हो गया कि आईफोन के दो ब्रांड आने लगे, जनरली इंटरनली चेंज होता था, एक ही आईफोन आता था। हाँ, मतलब 16 GB है या 30 GB है, ऐसे ऐसे GB बढ़ाए जाते हैं, लेकिन फ़ोन में अंतर नहीं आता। वो तो रिसेंटली ट्रेंड हुआ कि फ़ोन के भी, लेकिन दो ही टाइप आते हैं, एक नॉर्मल एक लार्ज। सो एप्पल का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ये यही है जो एप्पल को एप्पल बनाता है। तो ऐसा फिर भी आप वो स्टैंडर्डाइज करना क्यों चाहेंगे? सबसे पहले आपको कचरा कम करना है। ये इस तरह से ऐसे लाखों करोड़ों टन कचरा आप नहीं बना सकते भाई। मतलब भले आपको पृथ्वी का कोई लेना देना है, आपको इन्वायरमेंट से कोई लेना देना, लेकिन कचरा का करोगे क्या? करोगे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। आप इसको रोड पर तो नहीं फेंक सकते, अगर रोड ही भर जाएगा। तो कचरा कम करने के लिए सबसे बेटर होता है कि हर कोई एक ही स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करे, ताकि एक सामान से दूसरे सामान पर चलाया जा सके। तो स्टैंडर्डाइजेशन का आप सीधे आप ये देखिए, जैसे हर जगह पे अपने कंट्री के अंदर हर जगह का एक ही वोल्टेज होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बिहार में गए तो 100 वोल्ट पे चल रहा है, यूपी में आए तो 200 वोल्ट में चल रहा है, कहीं गए तो 600 वोल्ट में चल रहा है। आप वोल्टेज अप डाउन को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब स्टैंडर्ड तो 220 वोल्ट का ही है ना पूरे इंडिया में, लगभग पूरे प्लैनेट में है, सिर्फ कुछ ही जगह पे 110 वोल्ट का स्टैंडर्ड अभी भी लटका हुआ है। तो स्टैंडर्डाइज करने से एक ही इक्विपमेंट काफ़ी लोगों को सर्व कर सकता है। उससे कस्टमर का सर्विस, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, आप फ़ोन में गए, किसी से भी आप मांग सकते हो, भैया थोड़ा सा चार्जर दे देना। आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, आपका पुराना मोबाइल फ़ोन है, आपका कुछ भी, आपके सब में USB चार्जर लगाने से, जो माइक्रो USB है वो लगाने से आप सबका सब, हाँ, चार्जिंग का स्पीड कम बेसी होगा। मान लीजिए पुराना वाला चार्जर है तो स्पीड से नहीं चार्ज कर रहा है, नया वाला है तो जल्दी चार्ज कर रहा है, लेकिन चार्ज तो कर पा रहे हैं आप, मतलब आप कुछ तो कर पा रहे हैं। तो ये सब मिलाने से आप देखिए कितने सारे पोर्ट होते थे पहले, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भैया ये सब कचरा बनाना बंद करो, सब लोग एक पोर्ट पे करो। तो ये लॉ नहीं था, ये मतलब उन्होंने एक कमीशन टाइप दिया कि मतलब अगर आप करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और प्लीज़ करो यार, नहीं तो हमारा कचरा बहुत बढ़ रहा है। दूसरा, एक्सेसरीज़ का मार्केट बहुत बढ़ जाता है, अब हर कोई चार्जर बना सकता है बिना इसके बनाने का। आप देखते हो ना, सस्ते सस्ते चाइनीज़ आते हैं जिसमें मतलब एक पोर्ट में 10-20 झोला लेने की जगह पर आप सिर्फ एक चीज़ रख सकते हो। तो इसका फ़ायदा सबको होता है, मतलब कस्टमर को होता है, कंपनी को होता है जो एक्सेसरीज बनाती है। जैसे मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी कंपनी है जो चार्जर बनाना चाह रही है, वो बना सकती है, एक चार्जर बनाएगी जो सब पे काम करेगा। तो इसलिए कस्टमर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्या इसका कोई नुकसान है? हाँ, नुकसान भी है भाई, फटने का नुकसान है। आईफोन भी फटता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैमसंग ही फटता है या नोकिया ही फटता है, बहुत फ़ोन फटते हैं, लगभग सब चीज़ फटता है जिसमें बैटरी है। ये आईफोन मैं दिखा रहा हूँ, नीचे काफ़ी सारे लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं। और ये सब फटते इसलिए ना कि जनरली बनाने वाले ने अच्छे से बनाया है, चार्जर भी उसने बनाया है, उसने एकदम अच्छे से बनाया हुआ है कि भैया चार्जर में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो मोबाइल चार्ज लेना बंद कर देगा, मोबाइल थोड़ा सा नौटंकी कर रहा है चार्जर तुरंत पावर कट कर देगा। मतलब एक कम्युनिकेशन होता है, ऐसा नहीं कि तार में सिर्फ वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, कम्युनिकेशन भी जा रहा है। तो लेकिन अगर आप चाइनीज़ लगा देते हो और उसमें कोई सेफ्टी चिप नहीं है तो वो भावनाओं में बह के बिजली डालने लगता है। यही सैमसंग के साथ हुआ था कि उसके टूटे फूटे चार्जर या कोई चाइनीज चार्जर से कोई डाल रहा था तो उसके जाना बूम। तो जनरली मैन्युफैक्चरर कोशिश करते हैं कि सेफ्टी अपने मोबाइल में इतना लगाएं कि आप कुछ नौटंकी करें तो फट ना जाए, सिर्फ फ्यूज़ उड़े या मतलब इंटरनल डैमेज हो, बैटरी ना डैमेज हो, क्योंकि बैटरी एक्चुअली आग लगा सकता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल ना होने के चलते से ये सब रिस्क होता रहता है। दूसरा,
आपको ये समझना हो कि एप्पल बहुत पैसा बनाता है अपना एक्सेसरीज से, मतलब ऐसा नहीं है एप्पल ने लैपटॉप बेचा या वो बेचा, उससे तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, उसमें कोई सोचना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आता है वो उसको आता है एडाप्टर, एक्सेसरी, हेडफोन, ये सब सेल करके। तो जैसे आपको एक अडाप्टर की सीधा एग्जाम्पल देता हूँ, USB-C का अडाप्टर आजकल उसके लैपटॉप में आते हैं, लेकिन आप दूसरा मार्केट से खरीद के नहीं लगा सकते, वो सीधे नहीं काम करेगा। आप एक अच्छे ब्रांडेड खरीद के लगा सकते हैं, जो आपका डेल में काम करेगा, जो आपका लिनोवो में काम करेगा, जो आपका HP में काम करेगा, लगभग सब कंपनी में काम करेगा। जैसे एप्पल में लगेगा, एप्पल बोले ना हम काम ही नहीं करेंगे, सेम स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि मैं अलग चीज़ बोल रहा हूँ, सेम स्टैंडर्ड है। पेपर पे आप एक एक चीज़ मैच कराइए, जिस कंपनी ने वो अडाप्टर बनाया वो भी एक एक चीज़ मैच करा देगा, लेकिन एप्पल अब एक्स्ट्रा होशियारी करता है कि उसमें एक्स्ट्रा चिप डाल देता है कि भैया ये चिप का जब तक डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा हम नहीं करें। और वो चिप प्रोप्राइटरी है, मतलब कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, नहीं तो लॉ सूट पड़ जाएगा उस पर, तो उसका बहुत भारी नुकसान होगा अगर पूरा फर्स्ट पार्टी एक्सेसरीज मार्केट बंद हो जाता है स्टैंडर्डाइज करने के चलते। तो मैंने ऐसा वीडियो का टाइटल क्यों रखा है कि एप्पल स्विच करने वाला है, तो आप ये समझिए कि वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन ने जो फोर्स किया था, वो पहले तो वो प्यार से बोल रहे थे बेटा कर लो, अब थोड़ा वो गर्म हो गए हैं कि भैया ये क्या है, मतलब इतने सारे सैमसंग कर दिया, सोनी कर दिया, मोटोरोला कर दिया, LG कर दिया, सब कर दिया, तुम ही बस एक खड़े हो कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है, मतलब बाकी सब कंपनी भी अब अपना अपना होशियारी करने लग जाएंगे। तो एप्पल बोल रहा है नहीं हम कर रहे हैं धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो अब आप उनके लैपटॉप देखेंगे तो सब, खास करके जो थिन लाइट आते हैं उससे सब में सिर्फ USB-C दे रहे हैं, और USB-C को जो बनाया गया है, जो आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, कनेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कनेक्टर को बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया गया, ये लगभग हर चीज़ का इलाज कर सकता है, एक तार है, इसको कहा जाता है 1 cable to rule them all। तो आइडिया ये है कि जब इसको बनाया गया तो काफ़ी चीज़ जो लिमिटेशंस थी, जो ये पुराने स्टैंडर्ड्स आप देख रहे हैं, जो नॉर्मल USB है, USB 3 का जो पुराना नौटंकी केबल आता था, सबका देखने के बाद ये हिसाब बना कि नहीं कुछ अच्छा बनाते हैं। तो पहला आया कि भैया केबल ऐसा बनाओ जो बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स दोनों लग सकता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसमें प्रोटोकॉल मर्जिंग की सुविधा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके तार जो लगा हुआ है HDMI से, मान लिया आपका सेट टॉप बॉक्स से आपका टीवी में लगा हुआ है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ही जा रहा है, आप USB में लगा रहे हो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ही जा रहा है, वोल्टेज भी लगभग सेम ही है, लेकिन आप एक दूसरे से नहीं यूज़ कर सकते, प्रोटोकॉल अलग है, मतलब जिस लैंग्वेज में दोनों बात कर रहे हैं वो अलग हो जाता है, उसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो USB-C को जब बनाया गया तो उसमें ये ऑप्शंस हैं कि आप प्रोटोकॉल को मर्ज कर सकें, एक ही पोर्ट रहेगा लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल जाते हैं। अभी जो एप्पल यूज़ करता है उसमें वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर रहा है, थंडरबोल्ट से ये फ़ायदा हो रहा है कि उसमें 100 वाट तक का पावर अप डाउन किया जा सकता है, ये केबल को बनाया ही गया है, मतलब ये पोर्ट स्टैंडर्ड बनाया गया है कि 100 वाट तक अप डाउन कर सकता है, तो यानी एक लैपटॉप चार्ज कर लेगा एक तार से, प्लस जिस टाइम ये चार्ज हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ज होगा, उस टाइम आप 4K का मॉनिटर, मतलब जो प्रोजेक्टर साइज़ का होता है वो सब बढ़िया वाला बड़का मॉनिटर, हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर आराम से चला सकता है उसी टाइम जिस टाइम वो चार्ज कर रहा है। और अगर आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उस टाइम हम हार्ड डिस्क में वीडियो फाइल कॉपी भी कर, वो भी 40 GB पे करेगा, प्लस उसके साथ इसमें इतने सारे एक्स्ट्रा पोर्ट हैं, जैसे मतलब प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल है डिस्प्ले पोर्ट, जिससे मतलब वो विजुअल डेटा जा रहा है, PCI Express जिसके चलते वो जो 40 GBPS का डेटा जा रहा है, फिर USB, मान लीजिए आप एंड में USB पेन ड्राइव लगा दिए तो वो भी काम करेगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक पोर्ट से ये सब चीज़ कर सकते हैं, और एप्पल इसलिए करना चाह रहा है कि इससे एक तार से उनकी मतलब सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, सब समस्या। और आप बोलोगे कि नहीं, मान लो लैपटॉप का चार्जर कोई मोबाइल में लगा दिया, चूँकि यही चार्ज तार से चार्ज हो रहा है, तो मैंने बताया कि आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि चार्जर और डिवाइस जो रिसीव कर रहा है उसके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड में नहीं है, एंड्रॉइड में आपका जो USB जो स्पीड चार्जिंग है वो ऐसा नहीं कि जैसे आप लगाएंगे वो एकदम 9 वोल्ट देने लगता है, वो पहले 5 ही वोल्ट देगा, पहले मोबाइल को स्टार्ट करेगा, उससे बात करेगा क्या तुम ले सकते हो, अगर वो कुछ बोलता ही नहीं हो, नहीं भैया ये पुराना मोबाइल है, या सिक्योर हैंडशेक जिसको कहते हैं हैंडशेक, वो नहीं हो रहा है, तो बोलेगा भैया ना हम तो कुछ ज़्यादा वोल्टेज नहीं देंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए लैपटॉप का चार्जर लगा दिए अपने मोबाइल में, मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा, वो रुक जाएगा, बोले भाई ठंड रखो, या तो सीधे चार्ज ही नहीं करेगा, मान लीजिए उसमें सेटिंग नहीं है कि मतलब 100 वाट ही वो दे सकता है, जो ट्रांसफार्मर अडाप्टर में लगा वो 100 वाट ही दे सकता है और उसे कम नहीं दे सकता, तो हाँ तब वो बोल देगा भैया यू नो इनअप्रोप्रिएट डिवाइस, लेकिन वो आपको बता देगा, वो फोड़ नहीं देगा चीज़। तो एक तार से सब चीज़ किया जा सकता है, आप एक अभी ऐसे इसी वक्त जिस समय बात कर रहा हूँ आप लैपटॉप ले सकते हैं एप्पल का, आप LG से एक 5K का मॉनिटर ले सकते हैं, आप मॉनिटर का केबल लगा दिए, पावर केबल जो बिजली वाली है लगा दिया बढ़िया से, है अब आपको घर आए, ठीक है आपके पास वायरलेस बड़ा सा कीबोर्ड है, बड़ा सा माउस लिए एकदम बैठ गए, लेकिन आप लैपटॉप का छोटा कीबोर्ड माउस नहीं यूज़ कर रहे, स्क्रीन यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है आप कई देर बैठे रहोगे तो बैटरी तो उसकी खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, उससे यही
USB 3 के पोर्ट से आप लगाए अपना, दोनों को कनेक्ट किए, वो उससे डेटा भी ले रहा है, वो उसको चार्ज भी कर रहा है, आपको टेंशन ही नहीं है, आप आराम से चिल मारिए। और इस पे तो अब हेडफोन भी आने लग जाएंगे कुछ दिन में, तो आपको सोचना ही नहीं है। USB-C मतलब सारी समस्याओं का हल है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन USB 3 के बारे में जो एप्पल इम्प्लीमेंट करने वाला है, होपफुली कर देगा तुरंत ही, मतलब शायद अगला आईफोन, नहीं तो उसके अगले आईफोन में कर देगा वो, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ मज़ा आया हो, अगर वैसा है तो लाइक कर दो यार, नहीं है कोई बात नहीं डिसलाइक भी कर दीजिए, और आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।